पॉजिटिव भारत को स्वागत करछु स्मृति लग्ना प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे गुरुदिवस पूर्व शिक्षकों टीकाकरण को गुरुत्व संक्रमण बढ़िबार आशंका थिबार सबु शिक्षकों टीका देवा को अंटा भिड़िले केन्द्र सरकार अतिरिक्त 2 कोटी डोज टीका जोगाई देवा नहीं घोषणा कले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य आसंता 2 सप्ताह भितरे आसी पारे तृतीय लहर हेले ओडिशा उपरे रहिबनी बेसी प्रभाव आईआईटी कानपुर मॉड्यूल रो आकलन आणिला आश्वस्ति स्वास्थ्य मंत्री कहिले थर्ड वेव पई सरकार संपूर्ण प्रस्तुत स्वास्थ्य विशेषज्ञों मत वायरस रूप बदलाइले रहिबो अधिक प्रभाव समस्ते सतर्क रहबा उचित विश्व स्वास्थ्य संगठन वैज्ञानिकों बड़ घोषणा एवं शेष पर्यायर पहुंची भारत महामारी स्थिति 2022 शेष सुधा स्थिति रहिबो संपूर्ण स्वाभाविक तृतीय लहर पिलां पई हेबो नाही से भली घातक कठोर हेला ट्रैफिक नियम आईन उल्लंघन कले रद्द हेब लाइसेंस प्रथम थर उल्लंघन रे मध्य बातिल हेब लाइसेंस 3 मास पई अस्थाई भाव रे हेब रद्द सबु आरटीओ को चिट्ठी लेखिले परिवहन कमिश्नर आखु चासिं को पई केंद्र सरकार को बड़ घोषणा आखुर एफआरपी क्विंटल पिछा 290 टंका को वृद्धि उपकृत हेबे 5 कोटी आखु चासी घोषणा कले केंद्र मंत्री पीयूष गोयल तालिबान को वर्ल्ड बैंक रो झटका अफगानिस्तान स्थिति को देखी बड़ एक्शन आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक सपटे चीन देला तालिबानी को सहायता देवार संकेत संपूर्ण खबर को आसीबा आखु चासिं को पई केंद्र सरकार को बड़ घोषणा आखुर एफआरपी क्विंटल पिछा 290 टंका को वृद्धि पाइछि जहा द्वारा प्राय 5 कोटी आखु चासी व एथि सहित जड़ित लोक उपकृत होई परबे सेभली आखु उत्पादन रे काम करथुवा प्राय 5 लाख श्रमिक मध्ये यहा द्वारा लाभ पाइबे आखुरो चीनी हेबार रिकवरी 10% रहिछि ए प्रतिशत को आख्यागरे रखि निष्पत्ति निया जाइछि एने सूचना देछन्ति केंद्र मंत्री पीयूष गोयल आधुनिक टेक्नोलॉजी रो व्यवहार करी आम चासी रिकवरी रेट को बढ़ाई पारिथिबा केंद्र मंत्री कहिछन्ति सेभले गत वर्ष प्राय 70 लाख टन रप्तानी करी रेकर्ड करिछि भारत साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2.90 रुपये प्रति क्विंटल और दिया जाता है और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275.50 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा अगर 9.5% से नीचे भी हो तो देशरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को वृद्धि करबा दिगरे आउ एक पदक्षेप ग्रहण करिछंती केंद्र सरकार केंद्र सूचना व प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार समृद्ध योजनार शुभारंभ करिछंती सूचना व प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय रे चलित वर्षर वार्षिक रिपोर्ट रे घोषणा करा जाइछि ए कार्यक्रम संपर्क रे कुहा जाइछि ए कार्यक्रम जरिया रे देशरे स्टार्टअप इकोसिस्टम रो वृद्धि करबा पई लक्ष्य धार्य करा जाइछि केंद्र सरकार वर्तमान विद्यमान थिबा स्टार्टअप मानको सहभागी पई आमंत्रण करिसेंती स्टार्टअप पई 40 लाख टंका पर्यंत विनियोग प्रदान करा जइबो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन स्टार्टअप्स के लिए इस तरह का है कि देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं के जो आइडियाज हैं जो एनर्जी है जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उसका देश में किस तरह से उपयोग हो युवा रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो इनिशियल पार्ट होता है जर्नी का जिसमें मोस्ट वल्नरेबल पार्ट होता है जर्नी का जिसमें कि करीब 50% से अधिक स्टार्टअप्स कई बार उस जर्नी को क्रॉस नहीं कर पाते उस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाते उस फेज में कैसे
सरकार की तरफ से सपोर्ट हो, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए समृद्ध स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 300 स्टार्टअप्स जो कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज में पहुंच रहे हैं, उनको एक्सेलरेटर्स का सहयोग रहेगा, उनको मदद रहेगी, उनको मेंटोरिंग रहेगी, उनको फंड्स मिलेंगे और उनको इस तरह से सपोर्ट मिलेगा जिससे कि वो उस जर्नी में आगे बढ़ सके। राज्यगुड़िक मिशी काम करने को बैंकगुड़ी अपील करिछन्ति केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कहते प्रोत्साहन गति को अग्रसर रखा बैंकगुड़ी देशर प्रत्येक जिले में ऋण उपलब्ध कराइबा दिगरे उद्यम करबा दरकार। एथसहित से कहते सामूहिक भाव में सार्वजनीन स्थान में बैंकगुड़ी उत्तम काम कर महामारी समय सेवा प्रदान सह अनेक संस्कार आनी पूर्व भारत राज्यगुड़िक जमा संग्रह हो किंतु ऋण को विस्तार करिबार आवश्यकता अछि। पूर्वोत्तर राज्यगुड़िक बैंकगुड़िक स्वतंत्र योजना प्रस्तुत करिबार आवश्यकता अछि, एक कथा केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिछन्ति। ओपन सेशन आल्सो वेयर इन द इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स इन सर्विस वी हैड इनपुट्स कमिंग फ्रॉम। अफगानिस्तान में तालिबान रो आतंक भितर आसी भारत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत करो बड़ बयान कहते 20 वर्षर तालिबान एवं एबेर तालिबान भितर फरक अच्छी देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़िबा नहीं सेना रही प्रस्तुत सेपटे भारत आसवाई नवेदन करिछन्ति काबुल रे फसी रही अफगानवासी एपटे जेपर्यंत तालिबान देश में सरकार गठन करिबार असमर्थ रही से चित्र सामना को आसुछि। पंजशीर घाटी रे तालिबान विद्रोही भितर घमाखोट लड़ई जारी रही देश में हिंसार चित्र सामना को आसपे लगी स्थित सारा विश्ववासी नजर रही अमेरिका एवं जातिसंघ। अफगानिस्तान रे तालिबान रो आतंक देश छाड़ी पलायन लोके विकल तालिबान कब्जा थिबा काबुल एयरपोर्ट लोकों असंभाल भिड़ एपटे हजार हजार अफगान नागरिक देश छाड़ी विदेश चली जावाई विमान बंदर मुहां होता बेले कड़ा आभिमुख्य देखाई तालिबान काबुल को संजोग करुवा समस्त रास्ता को सील कर मौलवादी संगठन केवल विदेशी नागरिक विमान बंदर को जापर बोली तालिबान मुखपात्र जबीहुल्ला मुजाहिद। अगस्ट 31 सुधा सेना फेर नेबाकु तालिबान एपटे आमेरिका को देसी डेडलाइन एणु आमेरिका यार सैन्य प्रत्याहार करिबारे लागि पड़िछि। राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते 31 अगस्त सुधा निजर सबु सैनिक को अफगानिस्तान फेर आनब आमेरिका सेपटे तालिबान को नहीं बड़ प्रतिक्रिया देखते भारत सीडीएस बिपिन रावत। रावत कहते अफगानिस्तान को तालिबान कब्जा करने भारत में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी पारे आगुआ आकलन कर समस्त प्रकार प्रस्तुति करना 20 वर्ष तलर तालिबान और वर्तमान तालिबान मध्य कौन तफात ना बिपिन रावत सेपटे भारत आसवाई हजार हजार अफगानी नवेदन करतीपाई भारत ई विजा मध्यम अफगान शरणार्थी को भारत आनी साहय प्रदान करेक शरणार्थी भारत में पहुंची दिल्ली स्थित आईटीबीपी कैंप रही। इंडिया गवर्नमेंट और यूनिसेफ से रिक्वेस्ट किया एक प्रोटेक्शन है कि जो अफगानी यहाँ रहते हैं उसका कागजों से जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका एजुकेशन है उसका हेल्थ का फैसिलिटी है जो उसका सिक्योरिटी है ये सबका यूनिसेफ इंडिया गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देना। सेपटे जातिसंघ तुरंत अफगानिस्तान रे स्थिति सुधार दिगरे प्रयास जातिसंघ मानवाधिकार कार्यालय सम्मुखें अफगान शरणार्थी मैंने प्रदर्शन जारी रखिछन्ति। हमारे पहले डिमांड ये कि जो लोगों का इधर रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिला है उसको रिफ्यूजी कार्ड देना पड़ेगा और दूसरा बात सर हमारा डिमांड दूसरे डिमांड ये है कि हम लोगों को इधर से थर्ड कंट्री में निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक जो उम्मीद था अफगानिस्तान था कि हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि अगर अफगानिस्तान ठीक हो जाएगा तो हम दोबारा अपने आपके देश में जाएंगे अपने देश में और हमारे हालात उधर सही हो जाएगा इसलिए अभी उधर भी जंग हो गया सारा अफगानिस्तान को तालिबान ने कब्जा किया इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थर्ड कंट्री में हम लोगों को यूनिसेफ ऑफिस में निकाल दिएगा। सेपटे एपर्यंत तालिबान देश में सरकार गठन करिबारे असमर्थ रही एपटे पंजशीर घाटी में तालिबान और विद्रोही मध्य घमाघोट लड़े जारी रही देशर हिंसार चित्र प्रत्येक दिन सामना को आसवे लगी स्थित सारा विश्ववासी नजर आमेरिका और जातिसंघ उपर रही। रिपोर्ट अगस्त न्यूज।
ଏବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି 20 ବର୍ଷର ତାଲିବାନ ଏବଂ ଆଜିର ତାଲିବାନ ଭିତରେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 20 ବର୍ଷର ତାଲିବାନ ଆଉ ଆଜିର ତାଲିବାନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଲିବାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁଳନା କରିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ତାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାର ପରିଚାଳନା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଦଳିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2021 ମସିହାରେ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ କେପେବିଲିଟି ଥିବା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋର୍ସେସର ସବୁ ଆଡଭାନ୍ସ ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ପାଖରେ ରଖିଛି, ତାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ବଢିଆ ଭାବରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକାଶପାତାଳ ଫରକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ତାଲିବାନ କଥା କହିବା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନଜର ରହୁଛି ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉପରେ, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ? ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଲିବାନୀମାନେ ନିଜେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବତୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ଯୁବତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱ ସମୂହ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ତାଲିବାନ କହୁଛି ଆମେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବର୍ବରତା କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଶାସନ କୋଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାର ଲେଜିଟିମାସିଟାକୁ କେମିତି ଆଣିବ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଥମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ସହିତ ତାର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସିମ୍ପଥାଇଜ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, କେମିତି ଲେଜିଟିମାସି ତାକୁ ମିଳିବ ତାର ଯୋଉ କବ୍ଜା କରିଛି ଶାସନକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦୁଇରେ ତାଲିବାନର ସେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ସେ ଯୋଉ ବର୍ବରତା, ସେଥିରେ କିଛି କମ୍ ହେଇନି, ବରଂ ତାହା ବଢିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେରିକାର ଦମନକୁ ମଧ୍ୟ ସହି ପାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି। ସେମାନେ ଓଭର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କରିବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଓଭର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ତାର ବର୍ବରତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆସିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୀମିତ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଭିତରେ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବ, ଏ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ୟୁକ୍ରେନ ବିମାନ ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଇରାନରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା, ଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସରିଆ ଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ, ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ତ ବିଶ୍ୱ ସମୂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଲେଜିଟିମେନ୍ସି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବାଧ୍ୟ ହବ, କାରଣ ଏକ କରିକିଆ ହେଇଗଲେ ତାଲିବାନ ତାର ଶାସନ କୋଳକୁ ଠିକରେ ଚଲେଇ ପାରିବନି, ସେଇଟା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେରିକା, ଯିଏକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ହୁଏତ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କନସିଡର କରୁଛି ଯେ ତାର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବାର ଥିଲା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ହୁଏତ ଯଦି ନେଟୋ ଫୋର୍ସେସ ମାନେ ନେଟୋ ମେମ୍ବର ଏବଂ G7 ମେମ୍ବର ମାନେ ରାଜି ହେବେ, ହୁଏତ ଗୋଟେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଢ଼େଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶଙ୍କାକୁ ରଖି ତାଲିବାନ ଧମକ ଦେବାଟା ଭେରି ରିଅଲିଷ୍ଟିକ, ସେଇଟା ହବା ହିଁ ଥିଲା ହବ। ଦୁଇରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଏ ବର୍ବରତା ଯେତିକି ଭୟଭୀତ କରୁନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି, ଚୀନ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସହାୟତା ଦେବ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହୁଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କ ତାଲିବାନ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବେ, ତାଲିବାନକୁ ସହାୟତା କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଯେ ଚାଇନା 2015 ମସିହାରୁ ତାଲିବାନ ସହିତ ତାର ଗଠବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଅଲଗ ସଡନ୍ ତାଲିବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛି, ଦେଖା ପଡ଼ିଲା ଯେ ରଷିଆର ଏମ୍ବାସି କାବୁଲରେ ତାଲିବାନ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ପାକିସ୍ତାନର ISI ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅଲରେଡି ତାଲିବାନ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ଚାଇନା ରଷିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଏକାଠି ହେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏକାଠି ହେବେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାବହ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଥ୍ରୀ ବା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତିନି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଉତ୍କଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ କ୍ରାଇସିସ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନଜର ରହୁଛି ଜାତିସଂଘ କୁହନ୍ତୁ ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ସିଂହ ଯେଭଳି ତାର ଶିକାର ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପାଦ ପଛକୁ ହଟି ଆସେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପଛକୁ ହଟି ଆସିଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ ପରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିବା ନାଗରିକ ପୁଣି ବଳ ଜୁଟାଇ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ମୁକୁଳେଇବେ ନିଜର ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜର୍ମାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର ଜରିଫା ଗଫାରୀ ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାର୍ଦକ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜଧାନୀ ମୈଦାନ ସହରର ମେୟର ଥିବା ଜରିଫା ତାଲିବାନ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟିନଥାନ୍ତା ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାସିନ୍ଦା ଯାହା କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ତାଲିବାନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବି କେବେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ ବିଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଫଗାନୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପୁଣି ଏକଜୁଟ ହେବେ ଏବଂ ତାଲିବାନ କବଳରୁ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଜରିଫା କହିଛନ୍ତି आगे छलान बहुत अच्छे से मारे तो ये हमारी दो कदम पीछे सिर्फ इसी के लिए सिर्फ इसी के लिए कि हम दुनिया को दिखाएं कि व्हाट एग्जैक्टली आर वुमेन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल फेस ऑफ तालिबान इन माय कंट्री तो मेरे लिए अभी यही है मेरी टारगेट यही है कि मैं सारी दुनिया की जिस जगहों में मुझे अलाउंस हो जाने की मैं जा सकूं वहां जाऊं उनकी हायर रैंक ऑफिशियल्स से मिलूं उनकी पॉलिटिशियन से मिलूं उनकी वुमेन से मिलूं और उनको अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दूं और उनको उनको यू नो आस्क देम टू ज्वाइन मी फॉर अ मूवमेंट ऑफ यू नो Let's this time let's ask Taliban's leader, the real Taliban's, the Taliban's who have been sitting in Doha. So I'm asking everyone to please join me for the call that I want to talk to the leaders. I want to talk to Muhaybatullah. I am here. I'm taking the responsibility. I'm avoiding all the pain, all the suffer, everything that I have been through it just because of Taliban. ତାଲିବାନ ସଂଗଠନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସେଠାକାର ନାଗରିକମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ଏକାଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ନିୟମରେ ଭାରତର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କହିବା କଥା ଯେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣିକି ଇ ଭିସା ଜରୁରୀ ଏବେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ହଜିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିସା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ଏଣିକି ଇ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଇ ଭିସା ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ତାଲିବାନ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ବିମାନରେ ବସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଏ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
सब राज्य सरकार मानक अनुरोध करके शिक्षकों टीकाकरण केन्द्र सरकार टीकार अतिरिक्त 2 कोटी डोज देवे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य ट्वीट कर एक चलित मस राज्यगुड़ी टीका प्रदान योजन अतिरिक्त 2 कोटी अधिक डोज जोगाई दि जा तेणु आम सब राज्य सरकार को अनुरोध करुच्छे 5 सेप्टेम्बर में पालन कर गुरुदिवस पूर्व स्कूल पाठ पढ़ा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को प्राथमिकता भितर टीका देवाई प्रयास करूँ। देशरे चलिथिबा विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण रे आउ एक माइल खुंट छुईछि भारत देश टीकाकरण रे 60 कोटी अतिक्रम करिछि। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य ट्वीट कर यह सूचना देखते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त को वैक्सीन मागणा वैक्सीन अभियान में भारत 60 कोटी कोरोना टीकाकरण संख्या पार कर जो समस्त स्वास्थ्य समस्त सुरक्षा मंत्र देश कोविड टीकाकरण में आगक बढ़ुची। सूचना योग्य देश में कोरोना टीकार प्रथम 10 कोटी डोज प्रदान को 85 दिन समय लगी जहाँपर 20 कोटी टीकाकरण में पहुंचा 45 दिन समय लगी से 20 रु 30 कोटी पहुंचा 29 दिन समय लगी 40 दिन में पहुंचा 24 और 50 कोटी टीकाकरण में पहुंचा 20 दिन समय लगी एवं कितु 50 रु 60 कोटी टीकाकरण में पहुंचा मात्र 19 दिन समय लगी स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर स्पष्ट सूचना दि जाए। भारत पाई खुशी खबर देश में एवं कोविड परिस्थिति में सुधार आसी भारत पहुंची महामारी शेष पर्यायर जहाँ को स्वास्थ्य विशेषज्ञों भाषा कहा जाए एंडेमिक स्टेज तबे ए बाबद रे घोषणा करिसेंती विश्व स्वास्थ्य संगठन बा डब्ल्यूएचओ रो मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन 2022 शेष सुधा स्थिति रहिब संपूर्ण स्वाभाविक सरकार को पूर्व प्रस्तुति तृतीय लहर प्रकोप कम करिब बोली डब्ल्यूएचओ रो मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन कहिसेंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन रो वैज्ञानिकों बड़ घोषणा एवं शेष पर्यायर पहुंची भारत महामारी स्थिति 2022 शेष सुधा स्थिति संपूर्ण स्वाभाविक तृतीय लहर पिला होबना सेपरी घातक सरकार को पूर्व प्रस्तुति कम कर तृतीय लहर प्रकोप भारत पाई खुशी खबर देश में एवं कोविड परिस्थिति आसी सुधार भारत पहुंची महामारी शेष पर्यायर जहाँ को स्वास्थ्य विशेषज्ञों भाषा कहा जाए एंडेमिक स्टेज ए बाबद घोषणा कर विश्व स्वास्थ्य संगठन बा हुर मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन जितेबाला गोटे देशर मोट जनसंख्यार अधारु अधिक लोक कौन भूताणु जनित संक्रमण व महामारी सहित बंचवा अभ्यास करनी सेतेबेले एही एंडेमिक स्टेज आसिला बोली धरि निया जाए एबे भारत रे आसी परिस्थिति एबे देश में भूताणु संक्रमण पूर्व अपेक्षा बेस कम रही है सहित नियंत्रण को आसी दैनिक संक्रमण हार तेणु एही परिस्थिति को आकलन कर भारत रे एंडेमिक अवस्था व महामारी शेष होबा अवस्था को आसी बोली प्रकाश करिसेंती डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत एक बृहत जनसंख्यार देश हो संक्रमण ग्राफ विभिन्न समय तल ऊपर होगा देखा यही समान कारण लोकों देहरे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम बेसी रही देशर जो अंचल प्रथम और द्वितीय लहर द्वारा सेतेटा प्रभावित होना एवं जो अंचल टीकाकरण मात्रा कम रही सेठे आगामी किसी दिन मध्य संक्रमण में सामान्य वृद्धि देखादेपे मात्र 2022 शेष सुधा देशर 70% नागरिक टीका नहीं सारी से भारत संपूर्ण स्वाभाविक स्थिति को आसी सारी बोली प्रकाश कर डॉक्टर स्वामीनाथन। तृतीय लहर में शिशु माने अधिक संक्रमित होवा नहीं जो आशंका प्रकाश पाउछि से नहीं अभिभावक माने आदो चिंतित होगा उचित नुहे बोली परामर्श देते हु वैज्ञानिक संक्रमित हेले भी शिशु माने गुरुतर होवार आशंका कम रही तेरे तृतीय लहर को आखि आगे रखी केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्यगुड़िक यार मुकाबला जपरी पूर्व प्रस्तुति चलती भल पदक्षेप डॉक्टर स्वामीनाथन। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय होती बुलेटिन को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।